एक कहावत है जो आपने अक्सर सुना होगा कि सवाल तो कोई भगवान पर भी उठा सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ। क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। भारत रत्न का अपमान है सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को भारत रत्न देना। भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान पर अपमान वाली सियासत कर रहे हैं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी। क्रिकेट के जिस भगवान की बल्लेबाजी का विरोधी देश भी मुरीद रहा है, उस भगवान पर अपनी राजनीति के लिए एक विपक्षी पार्टी ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। किसान है, गांव में रहने वाला आदमी है, उसको ट्विटर के बारे में क्या जानकारी है, या वो ग्रेटा थर्बो के बारे में क्या जानता है, या वो जो औरत है गाने वाली उसके बारे में क्या जानता है। और उसके खिलाफ जो है आपने उतार दिया सचिन तेंदुलकर को। ये सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है, और भारत रत्न धारी आदमी जो है माने तरह तरह के उत्पाद का विज्ञापन करता है, मॉडल बना हुआ है। तो भारत रत्न का अपमान है सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को भारत रत्न देना। उस समय जिस समय मिला था उस समय हमने मजबूती के साथ विरोध किया था ये इन लोगों। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी को दिक्कत है कि सचिन ने किसानों के मुद्दे पर देश से एकजुट रहने की अपील क्यों की। इन्हें समस्या इस बात की है कि सचिन ने अपने ट्विटर हैंडल से भारत की संप्रभुता की बात क्यों की। अब पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ उसको भी समझ लीजिए। दरअसल किसान आंदोलन पर अमेरिकी सिंगर रिहाना ने ट्वीट किया था। रिहाना के ट्वीट का सीधा मतलब था भारत सरकार पर निशाना। इसके बाद पर्यावरण के मुद्दों पर मुखर रहने वाली ग्रेटा थनबर्ग ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए। किसान आंदोलन पर विदेशी सेलिब्रिटीज ने जिस तरह राय रखी उससे देश में बहस छिड़ गई कि क्या भारत के आंतरिक मामलों में किसी विदेशी शख्स का इस तरह का हस्तक्षेप सही है। इसके बाद देश के कई नामी गिरामी शख्सियतों ने देश की एकजुटता में बयान दिए, ट्वीट किए। इसी क्रम में सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट किया था, भारत के संप्रभुता से किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें देख सकती हैं लेकिन इसमें हिस्सा नहीं ले सकती हैं। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत को लेकर फैसले ले सकते हैं। एक देश के तौर पर हम एक रहते हैं। किसान आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति चमकाने वाले नेताओं को सचिन का ये बयान मन माफिक नहीं लगा तो सवाल तेंदुलकर पर उठा दिया। अपने ट्वीट में मास्टर ब्लास्टर ने कहीं भी किसान आंदोलन पर सवाल नहीं उठाए, न ही आंदोलन को गलत बताया था। ABP News आपको रखे आगे।